तो भाइयों देखो, एक बैंगन आ चुका है हमारा ऑर्गेनिक। पहला कुछ ऐसा आ गया, फिर धीरे धीरे रंग बदल जा देखो। देख और एक तोरी भी बता रहे पापा, तोरी कहाँ आई? देखो ये क्या तोरी आ गई, या कैसी तोरी, या कैसी तोरी पापा? तो राम राम भाई सबको। आज हमारा अगला दिन है और आज फिलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं फिलहाल अभी हाड़ा पिसवाने के लिए। चून एक टाइम का ही रह गया था, बस मम्मी को जब भी ध्यान आ गया जब चून एक टाइम का रह जाओ। अभी अरे नहीं, रात भी बंद देर होगी तो इसकी दुकान होगी, वो भी बंद रहा है 8 बजे के बाद, वो बंद कर दे। और तू फिर जिम चला जा तो देर हो ना। तो भाई अभी देखो मम्मी छोंक तैयार कर रही है, करेला में घेरोगी से? नहीं, करेले को ना बना दी, बढ़िया लग रहा है। अरे भी बना दी, बस जब से मैं तड़का लगा दूँ छाई में। भाई देखा भाई देसी तड़के का कमाल। मम्मी ने मुझे वीडियो चालू भी नहीं करने दी थी, पर फिर भी कैप्चर हो गया होगा, स्लो मोशन में डाल दूंगा एक बार और। मैं से किया आग सी बढ़ गई थी, तो एकदम तय स्वाद लगा इस तरह। स्वाद लगे फिर मम्मी इसकी डर गई, जैसे ही आग जली वैसे ही मम्मी डर गई। भाइयों फिलहाल ये हमारे गेहूं, इसमें गिरवाएंगे थोड़े से चने। चने में प्रोटीन रहे, नहीं बढ़िया रहे चने वैसे भी प्रोटीन के, उससे भी और खाने में डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहे हम तय, तो वे भी गिरवा लेंगे। तो भाई गर्मी आते देख लो कितनी हो रही है, आपको कैमरे में पता चल रहा होगा। तो ऐसी गर्मी में आड़ा पे स्मार्ट भेज रही है मेरी मम्मी मुझे सांझ को, तो मम्मी को पता नहीं याद आती नहीं है चीज़ तो फिलहाल मैं और पापा आ चुके हैं इसी वाली चक्की पर पिसवा में हम आड़ा, ये बढ़िया पीसते हैं भाई। तो यहीं आ चुके हैं, सामने स्कूटी लगा रखी है देखो। और भाई जितना भी इस गर्मी में आपसे पानी पिया जा रहा है उतना पानी पियो। अब हमने अपने आटे में जौ और चने और गेहूं डलवाए हैं जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छे हैं। भाइयों फिलहाल अभी खाना वाना खा के फोटो पे एक थंबनेल बनाया है, बताना कमेंट में कैसा लगा है। करंट थंबनेल जो वीडियो पे लगा हुआ है वही है वो, तो बता देना। भाइयों फिलहाल अभी आटा वगैरह पिसवा के लैपटॉप में थंबनेल बना के, जो मतलब जो जो सबसे करंट वीडियो है उस पर जो थंबनेल लग रहा वो भाई थोड़ा इम्प्रूवड थंबनेल है मेरी ओर से, मैंने सीख के बनाया है, यूट्यूब से सीखा है, फिर फोटोकॉपी पे वो बनाया है। एप्लीकेशन भी आपको दिखा दी, फ़ोन में भी चलती है लैपटॉप में भी चलती है, जैसा जी आपका करे वैसे उस पर चला लेना, लैपटॉप में थोड़ा आसानी रहे। और भाई ये देखो कानल जी आज यहीं पर बैठे हैं बेड पर अपने पालने के साथ, मैं ऐसे ही बैठे रहे हैं, मम्मी पोछा लगा रही कौन से टाइम का पता नहीं। और फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ जिम से, अब अपना प्रोटीन पी के फिर देखते हैं क्या करना है। ये फिलहाल अभी प्रोटीन वगैरह पी के हम आ चुके हैं अपने गार्डन में। इसमें मम्मी ने भाई देसी खाद बनाया, कुछ केलू के छिलकू थे, प्याज के छिलकू पानी में डुबो के, मम्मी बताओ कि कुकर कुकर बनाया, यूट्यूब पर देख देख बनाया मम्मी ने। जो सब्जी कटो रसोई में उसी का एक 24 घंटे भेदो और फिर छान कर मिला कर पानी गिर दो। तो भाई कुछ ऐसा बनायो ये मम्मी से, अपने जितने भी पौधों में गिर जाएगा उतने पौधों में हमेशा गिर देंगे, रिजल्ट हो सके अच्छा आवे, भगवान की कृपा तो ये है कि अच्छा आवे। बाकी देखो सब आपके सामने है। तो भाई ये देखो एक बैंगन आ चुका है हमारा ऑर्गेनिक, पहला कुछ ऐसा आ गया, फिर धीरे धीरे रंग बदल जा देखो। और एक तोरी भी बता रहे पापा, तोरी कहाँ आई? देखो ये क्या तोरी आ गई, या कैसी तोरी, या कैसी तोरी पापा? अरे भाइयों देखो एक भिंडी भी आ गई है, बहुत मेहनत तो हो ही गई थी, बहुत कष्ट था, मेरे पापा ने पानी दिया वो भी तो अल्लाह मंगन भी। पापा मुझे डांटे ज्यादा जी, यहाँ आ जा हम और बात कम सिखावे क्या रेस्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डरू यहाँ आने ते। बाकी देखो वहाँ भी भिंडी मारी पूरी होगी, यहाँ की भी आ गई, थोड़ा थोड़ा आने भी लगे हैं, और 6 महीने में हमारी खेती पूरी कंप्लीट हो जाएगी जो भी हमने सामान इसमें बो रखा। भाइयों देखो ये किस तरह का बैंगन है, देखो यहाँ भी है एक पेड़ बैंगन का। अरे ये मत सोचना कि बैंगन आलू खाने में बढ़िया नहीं लगते, घर की चीज बढ़िया ही लगे, पर घर की चीज़ों में अलग ही स्वाद आवे इनमें, घर की चीज तो घर पे वो ही हुई, खुद पे वो ही हुई, उसमें अलग ही स्वाद आवे, चाहे लौकी हो वा तोरी हो पालक हो सब चीज हो। ये देखो मम्मी यहाँ प्याज सारे उखाड़ रही है जितने भी बोए हुए, देखो मम्मी कितने हैं कसे निकले, उससे होते हैं भाई ऑर्गेनिक जो प्याज हो, आजकल ऑर्गेनिक का ही मिले हैं देखो।
इसी के साथ आज के श्लोक को हम यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपके श्लोक थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो श्लोक को एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।